स्त्रियों के पास सबसे सुंदर चीज क्या होती है? बहुत ही कीमती बात। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। दुनिया में सबसे सुंदर क्या है? स्त्री सबसे ज्यादा सुखी कब महसूस करती है? किसके बिना सब बेकार है? दोस्तों, यह तीन प्रश्न हैं और यह तीन प्रश्न हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि उस हकीकत को रूबरू कराएंगे जिसके बिना जीवन के सारे सुख अधूरे हैं। सारे पकवानों का स्वाद फीका है, सारे शौक, सारी सुविधाएं सब बेहीन है। तो चलिए आपको इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि वह क्या चीज है जिसके ना होने पर मनुष्य को सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक चित्रकार रहता था। वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक ऐसी चीज का चित्र बनाऊंगा जो संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर हो। परंतु वह इस बात पर आकर अटक गया था कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है। दोस्तों, वह पूरे दिन बैठ करके दिमाग लगाता था कि भगवान की सबसे सुंदर रचना क्या है जिसे मैं अपनी तस्वीर में उतारूं। उसने कई चीज़ों के बारे में सोचा पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर उसने सोचा कि मैं किसी जानकार से, किसी ज्ञानी से पूछता हूं, शायद वह मेरी कुछ मदद कर सकें। यही सोचकर वह सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। सोचा कि सबसे पहले मैं किसी ज्ञानी संत से पूछता हूं कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ क्या है। उन्हें यह बात जरूर पता होगी क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों का संग किया है, अनेकों ग्रंथ पढ़े हैं, जिंदगी का काफ़ी कुछ अनुभव होगा उन्हें। यह सोचकर कि वह चित्रकार एक ज्ञानी संत के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और अपना प्रश्न ज्ञानी जी के आगे रखता है कि महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। चित्रकार का प्रश्न सुनकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, इतना भी नहीं पता? संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा, इससे सुंदर दुनिया में कोई चीज नहीं। क्योंकि कहते हैं यदि मन में श्रद्धा ना हो, यदि मन में श्रद्धा हो तो मनुष्य रूखी सूखी खाकर भी प्रसन्न रहता है, अगर श्रद्धा ना हो तो मोहन भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते। भगवान भी श्रद्धावान लोगों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। चित्रकार ने पूछा, महात्मा जी, यह श्रद्धा मिलेगी कहाँ? मैं देखना चाहता हूँ कि श्रद्धा कैसी होती है, तभी तो मैं उसे चित्र का रूप दे पाऊँगा। तब महात्मा जी कहते हैं, बेटा, वैसे तो श्रद्धा लोगों के मन में होती है, और अगर तुम देखना चाहते हो तो इसके दर्शन तुम्हें धर्म स्थलों पर, पूजा स्थलों पर हो जाएंगे। दोस्तों, महात्मा जी ने इस उत्तर से चित्रकार संतुष्ट तो हुआ पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया। और अब तो इस बात का उत्तर जानने के लिए और आगे के लिए चल दिया। उसने निश्चय किया कि मैं इस प्रश्न का हल जानकर ही घर वापस लौटूंगा। दोस्तों, चलते चलते उसे रास्ते में एक नवविवाहिता स्त्री दिखाई पड़ी और वह सोचने लगा कि शायद यह स्त्री इस प्रश्न का उत्तर जानती होगी, मैं इसी से पूछ लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। चित्रकार ने आगे बढ़कर के उस नवविवाहिता स्त्री से वही प्रश्न कर दिया कि हे बहन, क्या तुम बता सकती हो कि संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है? चित्रकार का प्रश्न सुनकर के वह स्त्री
काफी देर तक सोचती रही कि मैं इन्हें क्या जवाब दूं। फिर उसने सोचा, वो अभी अभी पहली बार ससुराल में आई है और पहली बार ससुराल में आकर उसने प्रेम का अनुभव किया है। मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत पल कहीं महसूस नहीं हुए। जब एक लड़की दुल्हन बनकर पहली बार ससुराल जाती है तो उसे सबका भारी प्रेम मिलता है। सब लोग उसे प्रेम की नज़र से देखते हैं, पति से भी प्रेम मिलता है, पर उसे अपार प्रेम की अनुभूति होती है। पहली बार यदि किसी चीज़ का प्रेम प्राप्त होता है, किसी चीज़ का सुख प्राप्त होता है, तो वह विशेष होता है और एक स्त्री के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत और पल हो ही नहीं सकता। जब उसके जीवन में उससे प्रेम करने वाला, उसका पालन करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला पति प्राप्त होता है, स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है और अपने परमेश्वर से वह प्रेम पाकर खुद को धन्य समझने लग जाती है। वो नवविवाहिता कहने लगी, भैया मेरे विचार से यदि इस संसार में सबसे सुंदर अगर कुछ है तो वह प्रेम है। यदि प्रेम हो तो गरीबों में भी समृद्धि आ जाती है। प्रेम ने ही तो दुनिया को जीने लायक बनाया है। यदि प्रेम नहीं होता तो यह संसार संसार के रूप में दिखाई नहीं देता। प्रेम ना होता तो चारों तरफ अशांति, हिंसा, असभ्य और असंतोष होता। इसीलिए प्रेम से बढ़कर के इस संसार में कोई भी दूसरी चीज सुंदर नहीं है। नवविवाहिता का जवाब भी अपनी इस जगह पर बिल्कुल सही था, पर चित्रकार को उस जवाब से भी पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल पाई। अब वो अपने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए और आगे को चल दिया और कुछ दूर आगे जाने पर वह एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है और वहां उसे रास्ते में एक सैनिक मिलता है। चित्रकार ने सैनिक को रोककर उससे भी वही प्रश्न पूछा, अरे भाई आपने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, कई चीज़ों का अनुभव किया होगा, कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे होंगे, कई तरह के लोगों से आमना सामना हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ क्या है। चित्रकार का प्रश्न सुनकर सैनिक भी बहुत देर तक सोचने लगा और वह सोचने लगा कि मैं इसे क्या जवाब दूं। देखा जाए तो दुनिया के लोग तरह तरह की चिंताओं, वेदना और भाग दौड़ में लगे रहते हैं। मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष कर लिया है, लेकिन तृष्णा अभी भी सम्मान समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ अशांति का वातावरण है। यदि जीवन में शांति आ जाए तो जिंदगी बहुत ही आनंददायक हो जाएगी। यह सब बातें सोचने के बाद सैनिक ने उत्तर दिया, हे भाई संसार में सबसे सुंदर चीज है शांति। यदि मन में शांति हो तो जीवन में परम सुख रहता है। यदि शांति ना हो तो संसार की सारी चीजें व्यर्थ हैं। हमने देखा है कि दुनिया में धनपति तो बहुत हैं, हर प्रकार के सुख साधन उसके पास हैं, परंतु वे अंदर से खुश नहीं हैं और घोर अशांत उनके जीवन में फैली हुई है। जीवन घुटन कलेश और मानसिक अवसाद से भरा हुआ है। हमने बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को मानसिक वेदना से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, आत्महत्या करते देखा है। अब आप ही बताइए उस करोड़ों के धन से क्या लाभ कहते हैं। धन दौलत, स्त्री पुत्र, गाड़ी घोड़ा तभी तक सुख देते हैं जब जीवन में शांति होती है। शांति ना होने पर यह सब बेकार है। यदि मन अशांत हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, चित्रकार ने सैनिक का भी उत्तर ले लिया। अब तो तीनों लोगों के अलग अलग उत्तर सुनकर के चित्रकार सोचने लगा, जितने मुंह उतनी बातें। अब शाम हो चली है, चलो अब सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, अब अपने घर चलता हूँ। दोस्तों, चित्रकार उन तीनों लोगों के जवाब को अपने मन में सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा।
वह सोच रहा था कि प्रेम और शांति को अपने चित्रकारी में कैसे उतारूं, अपने चित्र में कैसे उतारूं, ऐसा क्या चित्र बनाऊं कि एक ही चित्र में यह तीनों चीज़ें आ जाएं। सोचते सोचते जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी अपने पति का इंतज़ार करते करते द्वार पर ही बैठी थी। बच्चे आंगन में खेल ही रहे थे। पति को आया देख उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर अपने पति का स्वागत किया। बच्चे दौड़ते हुए आए और उससे आकर के लिपट गए। अचानक से चित्रकार को ऐसा लगा जैसे उसके सवाल का जवाब मिल गया हो। जिस चीज़ को बाहर खोज रहा था वह तो उसके घर ही में मौजूद थी। उसके बच्चों में श्रद्धा थी, पत्नी की आंखों में प्रेम बरस रहा था, घर में शांति का वातावरण था। ना कोई कलेश था, ना कोई सवाल जवाब, ना ऐसी मांग जिस पर बहस हो। घर के सभी सदस्यों में संतोष था, प्रेम और श्रद्धा थी, जिसके कारण घर में शांति फैली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका घर कोई शांति का स्थल हो, जो किसी धर्म स्थल से कम नहीं था। दोस्तों, चित्रकार ने तुरंत चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने घर की एक मनोहर तस्वीर का निर्माण किया, जिसमें एक पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े प्रेम से दिख रहा है। कहानी का उद्देश्य यह है कि आपका घर सुख शांति और प्रेम श्रद्धा का मंदिर बन सकता है, यदि मनुष्य के अंदर संतोष की भावना हो। विद्वान लोग कहते हैं पति और पत्नी में कभी कलेश नहीं होगा यदि उनके अंदर श्रद्धा होगी, शांति होगी और संतोष रूपी धन हो। वे ना तो कभी दुखी रहेंगे और ना उनके जीवन में कभी अशांति आएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप समझ गए होंगे इस कहानी का रहस्य क्या था, क्या तात्पर्य था, स्त्रियों के पास सबसे सुंदर चीज़ क्या होती है, क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव, जय माता दी।